हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आइए आज आपको दिखाते हैं घर में क्या काम हुआ है। लेकिन उसके पहले जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आपको मेरे चैनल पर जो है 75 डेज जो है ब्लॉग चैलेंज की जो सीरीज चल रही है, यानी कि मैं आपको 75 डेज तक लगातार ब्लॉग देने वाला हूँ, लगातार वीडियो देने वाला हूँ अपने चैनल पर, वो भी सुबह 10 बजे। तो इसी सीरीज में हमारा ये 25वां ब्लॉग है, यानी कि 25वां ब्लॉग है, 25वां दिन है। तो इसी तरह से मैं आपको 75 डेज तक लगातार जो है वीडियो देने वाला हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे 75 डेज ब्लॉग चैलेंज सीरीज में। तो अभी गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि अभी आपको हम टाइम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम हो रहा है, देखिए 7:30 बज रहे हैं। और इस टाइम मतलब इतना लेट हम ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग को पता ही, घर पे काम चल रहा है, सारा दिन घर के काम में बिजी रहते हैं, फिर शाम को थोड़ा टाइम मिलता है, फिर आप लोग के लिए ब्लॉगिंग करते हैं। तो जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है घर में मेरे पिछले कुछ टाइम से काम चल रहा है, यानी कि 12-15 दिन हो गए, और अभी भी मतलब 7-8 दिन का काम बचा है, मोटा मोटा 10 दिन का मान लो, लेकिन 7-8 दिन तक कंप्लीट करवाना है क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। पता है आप लोग को 15 तारीख से नवरात्र चालू हो जाएंगे, तो उसके पहले तक कम्प्लीट हुआ ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए एक ये रूम हमारा कम्प्लीट हो चुका है, पूरी टाइल्स वाइल्स लग चुकी है, बस धुलाई उलाई होनी, और ये अपना हॉल जो है देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद किचन में हम आपको बता रहे थे किचन में काम होना था, तो देखिए किचन में क्या काम हुआ। ये देखो फर्श तो लग चुकी थी, देखिए साइड से आप लोगों ने देखा होगा बाकी था उन्होंने छोड़ दिया था, देखो साइड से उन्होंने इस तरह से उठा के लगाया है, तो ये काम कंप्लीट हो गया। बाकी अभी आपको दिखाते हैं किचन टॉप, ये देखिए हमारा किचन टॉप पत्थर भी ढल चुका है। अब आपको नई चीज दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर दीवालों में देखिए हमारी टाइल्स लगना चालू हो गई है, और दीवालों में देखिए हमारी इस तरह की टाइल्स लग रही है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखो यहाँ पर सामने से, तो अभी दीवार कंप्लीट नहीं हुई, मतलब इतना काम हुआ है। ये नीचे का आप लोग देख रहे हैं ये किया उसने, उसके बाद टाइल्स वाइल्स लगाया, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इन सब चीज़ों में। अब कल जो है दीवार हमारी फिनिश हो जाएगी, देख रहे हैं ये देखो यहाँ से चालू हुई, बाकी जितना आप लोग देख रहे हैं पूरा यहाँ से पूरी जो है दीवार की हमारी टाइल्स लगने, ये खिड़की की ऊंचाई जितनी है इतनी पूरी जाके ऐसे चारों तरफ से ऐसे यहाँ तक जो है कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा दीवार का पोर्शन। तो आप देखिए फाइनली हमारी देखिए किचन दूर से कैसी लग रही है आपको दिखाते हैं, ये देखिए अब देखने में थोड़ी अच्छी लग रही है हमारी किचन, देखो सामने से ये, और यहाँ पर अपना सिंक हो जाएगा, सिंक के लिए पत्थर काटेगा बाद में। तो इतना काम फाइनली हुआ है, और सामने देखिए ऊपर सब डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो मतलब इतना पोर्शन अपना फिनिश हो जाएगा 2 दिन के अंदर, कल और परसों 2 दिन के अंदर अपना ये पोर्शन फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद अपना धुलाई उलाई करके पुट्टी पेंट करवाएंगे, उसके बाद चकाचक हो जाएगा, फिर आगे काम चलता रहेगा। तो ये सारा काम जो हुआ है, और अभी राखी दीदी देखो बर्गर खाने को कह रही है, यहाँ पर देखो पर्दे के पीछे छुपी है, ये देखो हमारी राखी दीदी ये देखो छुपी है, इनको बर्गर खाना है। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल इधर पापा का फोन आ रहा है, उठाते देखे क्या बात, पापा से बात करी बर्गर खाने के लिए, बताए नहीं बर्गर मंगा रही है, देखो देखो बर्गर के लिए पापा से बात कर रही है। हम जाने वाले थे लेकिन पापा को रात में कुछ काम था, वो बाइक लेके गए तो उन्हीं से मंगा रही बर्गर के लिए, और उनको क्या पता कहाँ मिलता है, तो वही परेशान है बेचारी, देखो बर्गर के लिए परेशान है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, बर्गर नहीं, अरे उनको दुकान ही नहीं मिल रही होगी, क्योंकि जहाँ से बर्गर लाते हैं आप लोगों को दिखाया वीडियो में, तो मतलब वो थोड़ा किनारे लगाता है ठीक, उसका ठेला है, तो अब वो पापा क्या जाने भाई, उनको लगा नॉर्मल बर्गर सब जगह मिल जाएगा, लेकिन वो सब जगह नहीं मिलेगा, वो उसी दुकान पर मिलेगा, और वो दुकान हम लोग को पता है, अब उस दुकान का नाम भी नहीं है क्योंकि ठेले पर लगाता है, तो अब ऐसे उनको नाम भी नहीं बता सकते। वही पापा जो बाइक लेके गए उनसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है क्या नहीं, बाइक लेके आते हैं तो फिर हम चलेंगे लाने, क्योंकि उनको नहीं पता है। और गाना गाने में लगी है, क्यों टाइल्स लग रही, कैसा लग रहा है, मस्त चकाचक ना, अभी ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो अच्छा लगेगा और व्लॉगिंग करने में मजा आएगी। और बेचारी हमारी 10-12 दिन से टीवी गायब है, देख रहे हैं यहाँ पर सामने यहीं पर टीवी रहती थी, तो पिछले कुछ टाइम से जेठालाल नहीं देख पा रहे क्यों क्या करें, मैं तो यहीं पर सामने बढ़िया हमेशा चला करता है, जेठालाल ही चला करता है। बाकी देखिए कमरे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, देख रहे आप कितना मस्त चमक आ गई, ऐसे ही जब पूरे में लग जाएगा ना, अभी इधर देखने में तो एकदम कूड़ा का चढ़ा लग रहा है, इधर देखने में तो एकदम जैसे खंडहर है, देखो कुछ नहीं है, और इधर देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसी तरह से अपना सामने वाला जब पूरा फिनिश हो जाएगा ना चकाचक, तब मजा आएगी देखने में, तब ब्लॉगिंग करने में मजा आएगी। खाना पीना हो गया, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में ख़त्म करने की बारी आ गई। तो दोस्तों आप लोग को पता ही 75 डेज ब्लॉग चैलेंज की सीरीज चल रही है, तो उसको मैं 75 डेज तक लगातार ब्लॉगिंग करूंगा और इस चैलेंज को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो बस आप लोग को थोड़ा प्यार और सपोर्ट चाहिए बस। और उसके लिए आपको करना क्या है कि आप लोग को एक लाइक कर देना और चैनल पर एक तरह कमेंट छोड़ देना बस। इतना आप लोग सपोर्ट दिखाइए, बाकी मैं जो है पूरी मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा 75 डेज तक लगातार ब्लॉगिंग करने की, क्योंकि 25 दिन हो ही गए, 25-26 दिन, तो इसी तरह 75 डेज भी निकल जाएंगे। बाकी आप लोग थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइए। बाकी अभी कुछ टाइम से घर में काम चल रहा है, तो इस वजह से जो है अच्छे से मतलब ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। बस ये 1 हफ्ते का 7-8 दिन का काम और बचा है, ज़्यादा 10 दिन का काम, मोटा मोटा मान लो 10 दिन का काम और बचा है। उसके बाद जो है आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगा मैं, ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बाकी खाना पीना हो गया, घर के काम में बिजी रहते हैं बस सारा दिन, यही सब चीज़ें हैं। इसी में आपको जो ब्लॉगिंग नहीं पाते, घर का काम ख़त्म हो जाएगा तब अच्छे सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, और यहाँ अच्छे अच्छे कानपुर की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, कानपुर के बाहर की भी चीज़ें दिखाएंगे। तो यही थोड़ा काम में बिजी बस, बाकी खाना पीना तो हो ही गया। तो चलिए फिर आज ब्लॉग में ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको सिर्फ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।